वेलकम बैक टू शेप योर लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इजी हाउस क्लीनिंग टिप्स जिन्हें अपनी हैबिट बना के मैं अपने घर को कटर फ्री रखने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं डेली अपने हाउस क्लीनिंग को वन एंड हाफ आर देती हूँ लेकिन डेली कुछ चीजों को अपनी हैबिट बना के कम टाइम में भी आप अपने घर को मैस फ्री रख सकते हैं क्लीनिंग करना कोई बहुत इंटरेस्टिंग जॉब तो नहीं बट मैसी हाउस हमारी लाइफ में नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन ही लेके आता है क्योंकि अगर हाउस डिसऑर्गेनाइज़ रहता है तो हम उस स्पेस को स्पेस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं मान सकते और बिना डी किसी भी प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है वी ह्यूमन लव टू डू शॉपिंग लेकिन पुरानी चीजों को हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं और यही रीजन है कि हर रोज दुनिया भर का सामान हमारे घर में यहाँ से वहाँ मूव करता रहता है और रिजल्ट में हमें मिलता है एक मैसी होम लेकिन हम इन सबसे फ्री हो सकते हैं कैसे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टेप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आने वाले थर्टी डेज आप अपने घर को डी करने के लिए डेली कुछ टाइम देंगे और वो टाइम पांच मिनट से लेकर पंद्रह मिनट तक हो सकता है और थर्टी डेज खुद को पुश करते हुए अगर आप ये सब कर गए तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और उसके बाद लाइफ में कभी आपको अपना घर मैसी नजर नहीं आएगा वन परसेंट अगर मान लिया जाए कि आज आपका पूरा घर मैसी है और ये वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि मैं आज ही पूरा घर डी कर दूंगी और हो सकता है कि आप कर भी लें लेकिन उसके बाद आप इतना टायर्ड फील करेंगी और कल से यही चीज करना आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा सो ऑलवेज रिमेंबर स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस और उसके लिए चलिए चलते हैं सेकंड स्टेप पे घर को हमेशा साफ रखने की हैबिट बनाने के लिए स्टार्ट करें पांच मिनट से काफी दिनों से जो चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं उन्हें उठाने के लिए आपको मोटिवेशन देगा आप ही के द्वारा सेट किया गया आपका पांच मिनट का टाइमर और टाइमर के स्टार्ट होते ही आप भी एक पर्टिकुलर एरिया से शुरू हो जाए और हर चीज को वन बाय वन उनकी जगह पे रखते जाएं और पांच मिनट कंप्लीट होते ही छोड़ दें और सेम ऐसा ही नेक्स्ट डे भी करें यहाँ पे आप दो चीजें देखेंगे एक तो टाइमर की वजह से आपकी स्पीड डबल हो जाएगी और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि एटलीस्ट घर का कुछ एरिया तो आप क्लीन कर ही ये अच्छा लगे तो स्लोली आप इसे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं और ये टोटली totally डिपेंड करता है आपकी एनर्जी और टाइम पे अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो रात को उनके सो जाने के बाद यही फाइव टू टेन मिनट्स आप उस काम को दे सकती हैं। चीज़ों को यूज करने के बाद उन्हें वापस उसी जगह पे रखने में और यहाँ वहाँ फेंकने में कुछ ही सेकेंड्स का डिफरेंस होता है लेकिन उन्हीं चीजों को डी करने और क्लीन करने में वो एक्स्ट्रा टाइम ले जाती हैं और उसी टाइम को सेव करने के लिए मेक अ हैबिट टू पुट द थिंग्स बैक आफ्टर यूजिंग इट तो अब जैसे ही किसी भी चीज को कहीं भी छोड़ के जाने का मन करे तो खुद को एक रिमाइंडर दें कि ये इसकी प्लेस नहीं है और उसी वक्त उसे उसकी जगह पर रख दें और आप देखेंगे कि बस इतना सा करने में आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं गया बट क्योंकि ये चीज़ अभी तक आपकी हैबिट नहीं थी इसीलिए हाउस में से हो रहा था हमारे रूम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो रूम से रिलेट ही नहीं करता कोई ग्लास बॉटल कॉफी मग या ऐसी कोई चीज़ जो लिविंग रूम या दूसरे किसी रूम से रिलेट करती है सो रूम से निकलते हुए हमेशा ख्याल रखें कि जाते हुए आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए सो फाइंड आउट कुछ तो ऐसा होगा जो आपके रूम में नहीं होना चाहिए ये हैबिट आपके रूम को हमेशा नीट एंड क्लीन ही रखेगी लॉन्ड्री पार्ट हैंडल करने में अगर हम थोड़े से भी वीक हुए तो ये हमारे घर में लार्ज मेस फैला सकती है और ये कई बार हमारे साथ होता है कई बार जैसे ही हम बेड पे या काउच पे बैठने का ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई है विद लॉर्ड्स ऑफ क्लोथ्स तो इसका एक ही सोल्यूशन है सुनने में हो सकता है कि आपको उतना प्रैक्टिकल ना लगे बट इट रियली वर्कस अमेजिंगली फाइव टू टेन मिनट्स का ही टाइम लगता है अगर हम ड्राई हो चुके क्लोथ्स को साथ के साथ फोल्ड करके रख दें अदरवाइज़ हम पाइल्स बनाते रहते हैं और वो करना और भी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है फिर वही एक्सक्यूजेस सुबह करेंगे या फिर शाम को कल करेंगे या फिर परसों बट अगर साथ के साथ कर दिया जाए तो सोचें कि ये चीज़ कितनी सेटिस्फेक्शन देती है कि चार दिन पड़े रहने वाले काम को हमने मिनटों में ही डन कर दिया ट्राई दिस थिंग आई प्रॉमिस ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा बात करें कपड़ों को आयरन करने की तो ये भी एक बहुत ही बोरिंग सा काम है और बहुत बार हम इसे भी टालते हैं यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मेरे रूम में दो लॉन्ड्री बास्केट्स रहती हैं एक में डर्टी क्लोज दूसरी में वो क्लोज जो मुझे अभी आयरन करने हैं मैं कभी नहीं सोचती कि आयरन करने के लिए मेरे पास कितने क्लोज हैं और उनमें कितना टाइम लगने वाला है मुझे डेली बस फिफ्टीन मिनट्स कपड़ों को प्रेस करना है और जहाँ पंद्रह मिनट खत्म हुए वही मेरा काम भी खत्म और कपड़ों की हमारे पास कोई कमी नहीं है ऐसा नहीं है की जो आयरन नहीं हुए हैं वही हमको पहनना है इस मेथड को यूज करने का मेरा एक ही रीजन है बिकॉज आई डोंट लाइक आयरनिंग सो आई कन्विंस माई माइंड की बस पंद्रह मिनट की ही तो बात है और क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पे क्लोज वॉश करती हूँ इसीलिए मेरी ये ट्रिक 100 परसेंट वर्क करती है जिन कामों को आप टालते जा रहे हैं उसे इसी तरह टाइम लिमिट के साथ आप कर सकते हैं तो लॉन्ड्री पार्ट इस तरह से कम्प्लीट करना मुझे काफी ज्यादा इजी लगता है अगर सुबह उठते ही यहाँ वहाँ भागने की जल्दी में आपको लगता है कि अगर आपने अभी अपना बेड सेट किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा देन यू आर रॉन्ग बेड सेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा एक से डेढ़ मिनट का टाइम लगता है और इतना करने भर से ही आप उठते ही अपना एक काम खत्म कर लेंगे सो so बेड से उठते ही बेड सेट करने की हैबिट बनाएं एंड यू विल फील सेटिस्फाइड किचन काउंटर हमेशा क्लीन रखने की ही कोशिश करें काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ बहुत सारा सामान किचन की लुक ही खराब कर देता है और ऐसी किचन में काम करना भी मुश्किल हो जाता है चीजों को इस्तेमाल कर लेने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देने की बजाय साथ के साथ उन्हें वापस उनकी जगह पे रख दें ट्राई करें कि आपकी सारी ग्रोसरी कंटेनर्स में ही फिल हो जाए पैकेट्स में रखने से सामान ऑर्गेनाइज करने में तो थोड़ा मुश्किल होता ही है साथ ही वो अननेसेसरी स्पेस भी कैरी करता है हाँ कंटेनर्स में फिल कर लेने के बाद कुछ पैकेट्स अगर बच जाएं तो ट्राई करें कि उन्हें भी आप ऑर्गेनाइजिंग वे में ही ड्रॉर्स में रखें किचन में काम करते करते डेली एक कैबिनेट को डी क्लटर एंड क्लीन करने की हैबिट बनाएं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है हम कितनी बार किचन में खड़े खड़े खाना या चाय रेडी होने की वेट करते हैं उतनी ही देर में हम एक पूरी कैबिनेट या किसी कैबिनेट की एक शेल्फ या किसी ड्रॉर को क्लीन कर सकते हैं ऐसा करने से आपकी किचन का यूज होने वाला और ना यूज होने वाला सामान आपकी नजर में रहता है जिन आइटम्स को आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि जो अभी यूज नहीं हो रहा वो इन फ्यूचर भी यूज नहीं होने वाला नीट एंड क्लीन स्टडी स्पेस ही आपको कंफर्टेबल और फोकस्ड रख सकती है और इसे क्लीन करना भी सबसे इजी है लेकिन हमारी लापरवाही इस काम को भी बहुत मुश्किल बना देती है जैसे कि ओल्ड बुक्स को लाइब्रेरी में डोनेट करना है नोटबुक्स डायरीज और वेस्ट पेपर को साथ की साथ करना है ये बात हम सबको पता है लेकिन फिर भी इस काम को साथ ही साथ करने की बजाय हम अपने स्टडी एरिया को मैसेज छोड़ देते हैं अगर बात करू मैं किसी पेन की जो पेन हम यूज कर रहे हैं अगर वो पेन वर्क नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम भी वर्क नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसे इमिजिएटली डिस्कार्ड करने की बजाय वापिस हम उसे पेन होल्डर में रख देते हैं यह सोच के कि शायद वो नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा लेकिन याद रखें नेक्स्ट टाइम भी ये पेन हमें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा सो थ्रो इट इन द डस्टबिन इमीजिएटली और आज आप अपने स्टडी एरिया से कितने पेन निकाल के बिन में डालने वाले हैं ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता तो ये सारी वो हैबिट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकती हैं और काफी हद तक हम अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं अदरवाइज घर को नीट एंड क्लीन रखना इज नॉट एन ईजी जॉब बट ये इम्पोसिबल भी नहीं है जरूरत है तो बस थोड़े से एक्टिव और अलर्ट रहने की आई होप इस वीडियो का कोई एक पॉइंट तो आपके लिए हेल्पफुल होगा इफ़ यस देन प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन टू मूव ट मी मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय